नमस्कार, एकमत पोस्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं सर्वेश कुकरा। मेम के बाग में जो कब्रिस्तान की जमीन थी उस पर प्लॉटिंग को लेकर हम दो एपिसोड आपके सामने ला चुके हैं और ये तीसरा एपिसोड आज हम पेश कर रहे हैं। जैसा हमने पिछले एपिसोड में आपसे जिक्र किया था कि खट्टर सरकार के वर्जन 2.0 में कांग्रेस और बीजेपी का कॉकटेल किस तरह से जमीन के धंधे में आ गया है और अवैध कॉलोनियां धड़ाधड़ काटी जा रही हैं, पर आज इस नए एपिसोड में नई बात यह है कि इस पर भले ही हिसार के किसी विभाग ने संज्ञान नहीं लिया हो, लेकिन चंडीगढ़ में टाउन एंड कंट्री प्लानिंग के डायरेक्टर ने इस पर संज्ञान ले लिया है। खेतमाल मकरंद पांडुरंग 2007 के आईएएस हैं, वो महाराष्ट्र से ताल्लुक रखते हैं, लेकिन हरियाणा में बेहद ईमानदार अफसरों में उनकी गिनती होती है और मकरंद साहब ने स्पेशल अधिकारी को डिप्यूट किया है जिन्होंने एक दिन पहले ही यानी कि कल हांसी का दौरा कर तमाम जानकारियां हासिल की हैं। हमारे सूत्र ये बताते हैं कि जो अधिकारी डिप्यूट किए गए थे उन्होंने के मकरंद पांडुरंग को तमाम जानकारियां दे दी हैं। उन्हें इस बात से अवगत करवा दिया गया है कि वाकई हांसी में अवैध प्लॉटिंग हो रही है, कानून कायदों की जमकर धज्जियां उड़ाई जा रही हैं और एक नई बात और जो सामने निकल कर आई है वो ये है कि यहाँ पर रेवेन्यू की भी मोटी चोरी की जा रही है। जिस कब्रिस्तान की जमीन पर प्लॉटिंग की गई थी उसी कब्रिस्तान की खसरा नंबर 1038 पर तहसीलदार साहब ने भी रजिस्ट्रियां करनी शुरू कर दी हैं और ये समझा जा रहा है कि ये रजिस्ट्रियां बिना डीटीपी के एनओसी के की गई हैं। कितना बड़ा घालमेल है इस बात का पता उस वक्त लगेगा अगर सरकार इस पूरे मामले की जांच विजिलेंस से करवाती है तो बड़े मगरमच्छ भी सामने आएंगे। अभी तक ये माना जा रहा था कि कांग्रेस के कुछ लोग बीजेपी के कुछ नेताओं के साथ मिलकर अवैध कॉलोनियां काट रहे हैं और खट्टर सरकार के वर्जन 2.0 में ये शुरुआती दिनों में ही एक दाग लग गया है। जो सरकार भ्रष्टाचार मुक्त करने का दम भरती थी, ये कहती थी कि भ्रष्टाचार खत्म कर दिया और जो रह गया उसे भी कर देंगे, ये उसके मुंह पर तमाचा है। हांसी की तहसील परिसर में हमने बताया था कि जो भ्रष्टाचार यहाँ है वो हरियाणा में आपको कहीं भी देखने को नहीं मिलेगा और शायद इसी बात का ये नमूना है कि दो दिन पहले उसी खसरा नंबर 1038 जिसमें कब्रिस्तान बताया गया है वहाँ की रजिस्ट्रियाँ भी प्राइवेट लोगों के नाम करनी शुरू कर दी गई हैं। न तो कोई एनओसी ली गई है और नए ही कायदे कानूनों का पालना की गई है और अगर सरकार विजिलेंस से इस मामले की जांच करवाती है तो निसंदेह कोर्ट में जो लोग रजिस्ट्री करते हैं वो सारे के सारे धरे जाएंगे, नप जाएंगे। मैं आपको बता दूं कि हरियाणा डेवलपमेंट एंड रेगुलेशंस ऑफ अर्बन एरिया एक्ट 1975 के तहत सेक्शन 71 में और सेक्शन 72 में मुकदमे दर्ज किए जा सकते हैं और जहाँ तक हमारी जानकारी है कि टाउन एंड कंट्री प्लानिंग ने उन तमाम लोगों के नाम एकत्र करने शुरू कर दिए हैं जो यहाँ अवैध प्लॉटिंग कर रहे हैं। हमारे सूत्र ये भी बता रहे हैं कि टाउन एंड कंट्री प्लानिंग सेक्शन 10 के तहत नोटिस देगा और उसके एक हफ्ते के भीतर ही हो सकता है FIR दर्ज करवा दी जाए। अब सवाल ये उठता है कि जो अधिकारी रजिस्ट्री कर रहे हैं क्या उनमें खट्टर सरकार का खौफ जरा भी नहीं रहा? भ्रष्टाचार की सीमाएँ किस तरह से लांघी जा रही हैं इस बात का पता उस वक्त लग सकता है जब सरकार हांसी में विजिलेंस जांच करवाए और विजिलेंस जांच अगर होती है तो वो तमाम लोग सामने आ जाएंगे जो इस नेक्सस से जुड़े हैं, अवैध प्लॉटिंग के धंधे में शामिल हैं। आप सोच रहे होंगे कि टाउन एंड कंट्री विभाग के डायरेक्टर को क्या ज़रूरत पड़ गई थी, उन्होंने अपने स्तर पर जाँच क्यों शुरू की, इसकी कहानी भी हम आपको बताते हैं। दरअसल ये पूरा मामला एकमत पोस्ट ने उठाया था और इस मामले को लेकर दो एपिसोड हम आपको दिखा चुके हैं। ऐसा नहीं है कि बीजेपी के तमाम नेता अवैध कॉलोनियों के धंधे में लग गए हैं, ईमानदार नेताओं की आज भी कमी नहीं है और उन्हीं में से कुछ बीजेपी के ईमानदार नेताओं ने इस मसले को चंडीगढ़ में उठाया है और ये बात टाउन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग के निदेशक के मकरंद पांडुरंग के समक्ष भी उठाई गई। उनको भी बताया गया कि हांसी में किस तरह से अवैध प्लॉटिंग हो रही है और जो उनका डिपार्टमेंट है हिसार में वो कुछ नहीं कर रहा है, सोया हुआ है। उनके लोग हांसी में आए जरूर थे लेकिन जैसे मैंने आपको पिछली बार बताया था कि कॉफ़ी पीकर वापस चले गए थे। इस मामले को के मकरंद ने सीरियसली लिया और उन्होंने अपने एक ईमानदार अफसर को डिप्यूट कर सीधे गुड़गांव से हांसी के लिए रवाना कर दिया। अफसर ने बिना किसी को बताए अपने स्तर पर मौके की जांच की, पूरा घूमे, देखा और तमाम जानकारियां एकत्र करने के बाद सबूत भी हासिल किए। अब उन्होंने अपनी रिपोर्ट मकरंद साहब को दे दी है और इसके बाद क्या होता है ये आने वाले कुछ दिनों में पता लगेगा और जैसे ही इस केस में नई डेवलपमेंट होती है हम आपके सामने चौथा एपिसोड भी लेकर आएंगे, उसमें बताएंगे
कि टाउन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग ने क्या कार्रवाई की है। और हाँ, अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए सब्सक्राइब बटन को दबाएं, साथ में जो बेल आइकन है उसे भी क्लिक करें। और अगर ये वीडियो फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और शेयर करना ना भूलें। आप देखते रहिए एक पोस्ट। नमस्कार।